अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को हिट कीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। इस तरह मेरी जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और ये बिल्कुल फ्री है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत छोटी सी है। एक गैजेट मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए किचन के लिए ऑर्डर किया है कि मुझे रोटी बेलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, उन्हें तो पता है मैं काफ़ी अरसे के बाद वीडियो बनाना शुरू कर रही हूँ। तो कुछ बीमार थी इस वजह से और ये रोटी बेलने की प्रॉब्लम भी इसी वजह से है। तो उन्होंने मेरे लिए कुछ ऑर्डर किया था, मुझे दिखा के ही किया था, लेकिन जो पैकेज है इतना छोटा है, मुझे लगता है कि हमने कुछ गलत ऑर्डर कर दिया। लेकिन जो भी है, आपके सामने ओपन करते हैं इसको। और देखते हैं कि इसके अंदर जो चीज़ मंगवाई है वो चीज़ तो वैसी ही है जैसी मंगवाई है, लेकिन इसका साइज़ बहुत छोटा है। ये रोटी मेकर है, टोटेला मेकर है, कि इसमें रोटी खुद बेलनी जा सकती है। तो अब इसको ओपन करते हैं। अगर तो ये इस साइज़ की रोटी भी अच्छी बेलेगा तो मैं इसमें बड़ा साइज़ मंगवा लूँगी और साथ ही साथ आप लोगों के साथ रिव्यूज़ भी शेयर कर लेंगे। तो अब देखते हैं, इसके साथ रोटी बना के एक पेड़ा बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे इसके रिजल्ट्स आते हैं। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया क्योंकि नया है, पहली दफ़ा यूज़ कर रही हूँ। तो जैसा कि उन बॉक्स के ऊपर बता रहे हैं, तो मिडल में पेड़ा रखते हैं, इसको ऊपर ऐसे दबाएंगे और थोड़ा सा जोर लगा के इसको ऐसे कर देंगे और देखते हैं कैसे इसके रिजल्ट्स क्या है। ओके, एक दफ़ा किया, थोड़ा सा डस्ट किया इसके ऊपर मैंने और एक दफ़ा दोबारा करते हैं जी। तो रिजल्ट्स तो ठीक है, अगर मैं बड़े साइज़ का मंगाऊंगी तो और अच्छा हो जाएगा, लेकिन जैसे बेलते वक्त भी अच्छे खासा लाइक जोर लग जाता है। तो लेट्स सी, तीन दफ़ा कर चुकी हूँ अब तक मैं, तो हाँ अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर मैं बड़ा साइज़ का मंगवा लेती हूँ तो उसके रिजल्ट्स और अच्छे आएंगे। वैसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था, ये $10 का है, शिपिंग के $3 एक्स्ट्रा पे किए, तो आई बिलीव के वर्क हो जाएगा। और मैं पहली दफ़ा कर रही हूँ, शायद प्रैक्टिस करने से बेटर हो जाए, क्योंकि मैंने इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ देखे हैं कि इंडिया में तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये। तो इसका साइज़ एक साइज़ बड़ा मंगवा लेती हूँ और हाँ अच्छे रिजल्ट्स है। और मुझे लगता है आप लोगों को भी जब नया मंगवाऊंगी वो भी शेयर कर लूँगी, लेकिन अभी के लिए तो ये जैसे आलू के, मूली के, कीमे के पराठे बनाते हैं उसके लिए तो अच्छा है। वैसे आप सब आप कह रहे होंगे कि मैं खेली जा रही हूँ, कि मैं आपके साथ साथ बात कर रही हूँ, साथ साथ मैं उसको ट्राई करती जा रही हूँ कि कितनी दफ़ा करने से, आई थिंक मैंने इसको 6 times प्रेस किया है तो थोड़ा बड़ा बन रहा है। तो इसी तरह अगर मैं बड़ा मंगवा लूँगी तो उसके रिजल्ट्स और अच्छे आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ है, तो मैं इंशाल्लाह इसका थोड़ा बड़े साइज़ में ज़रूर मंगवाऊँगी। अभी ये जो मैंने मंगवाया था ये 6.5 inches का है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि 9 inches का ट्राई करूँ। आप लोग मुझे बताएं कि मुझे कितनी बड़ी लेनी चाहिए। आई थिंक मैं नॉर्मल साइज़ की रोटी बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनाती, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं बनाती। आई थिंक 9 inches वाला मुझे अच्छा रहेगा। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने वाला कौन सा लेना चाहिए और वाकई ये अच्छी चीज़ है या नहीं, लेकिन मुझे अच्छी लग रही है। थोड़ी सी मेहनत है और आपके हाथ का है कि आप किस तरह यूज़ टू होते हैं। तो आज की वीडियो में बस यही। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।